हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाखा। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ शेषनाग और महक के रिश्ते का सच आ चुका है सामने। क्या है इन दोनों का रिश्ता? सुनकर उड़ जाएंगे आपके होश, सुनकर हिल जाएगी प्रथा, जब पता चलेगा उसे कि क्यों इन दोनों के बीच में है रिश्ता। चलिए हम आपको बताते हैं पूरी कहानी टीवी का पटाखा की इस रिपोर्ट में। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि प्रथा के साथ सर्वश्रेष्ठ शेषनाग का ब्याह होना था, शादी होनी थी, लेकिन प्रथा तो पहले ही ऋषभ की सुहागन बन चुकी थी और ऐसे में सर्वश्रेष्ठ शेषनाग को वापस नागलोक जाना पड़ा था। पर यहाँ पर महक ने चल दी थी सबसे बड़ी चाल। महक ने सर्वश्रेष्ठ शेषनाग को कहा था कि मैं जानती हूँ कि सर्वश्रेष्ठ शेषनाग सिर्फ सर्वश्रेष्ठ शेषनागिन से ही शादी कर सकता है। सर्वश्रेष्ठ शेषनागिन तो मैं बनने वाली थी, लेकिन प्रथा बन गई। पर हाँ, अगर प्रथा नागिन ना रहे, वो सर्वश्रेष्ठ शेषनागिन ना रहे और मैं बन गई सर्वश्रेष्ठ शेषनागिन, तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुमसे शादी करूंगी, क्योंकि यही भगवान भोलेनाथ की इच्छा है और मैं कभी भी उसके खिलाफ नहीं जाऊंगी। ऐसे में हाथ मिला लिया था महक ने और सर्वश्रेष्ठ शेषनाग ने। और अब जब महक बन जाएगी सर्वश्रेष्ठ शेषनागिन, तो महक शादी करेगी सर्वश्रेष्ठ शेषनाग से। लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ शेषनाग वही है जो प्रथा के सामने रूप बदल कर आया था, ऋषभ का रूप लेकर आया था, जिससे टूट जाए प्रथा, टूट जाए उसका प्यार, टूट जाए उसका दिल, टूट जाए उसकी उम्मीद। उसको भी वही महसूस हो जो कभी सर्वश्रेष्ठ शेषनाग को महसूस हुआ था। दोस्तों, क्या कहेंगे आप इस सबसे बड़े ट्विस्ट के लिए? हमें कमेंट्स में आप जरूर लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।